प्रोग्राम है, तो मुझे लगा कि मैं एजुकेशन पे बनारसीदास गुप्ता फाउंडेशन, और मैं उससे भी पहले काम कर रही हूँ इस सब्जेक्ट पे, और मैं उससे भी पहले काम कर रही हूँ इस सब्जेक्ट पे, तुरंत हाँ भर दी। कल रात तक मैं सोचती रही कि मैं करनाल जा रही हूँ, किसी को भी नहीं जानती वहाँ। और मैं इस बात में कहूँगी कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के गरीब बच्चों के लिए बुक्स का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, ताकि इन बच्चों को शिक्षा के प्रति इतना बड़ा रुझान इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महिलाएं जो कर रही हैं। हाँ, ये अभियान तो चलता रहना चाहिए, और हम चाहेंगे सरकार से भी बात करेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को बुक्स भी जरूर दें, 8th तक तो हरियाणा सरकार दे रही है। चेयर पर्सन आशा गोयल AIVF की तरफ से आज हमारा ये पुस्तक वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमारी चीफ गेस्ट मिसेस सुमेधा कटारिया हैं। इसमें हमारी ऑल इंडिया वेश फेडरेशन की महिला विंग की स्टेट प्रेसिडेंट दर्शना गुप्ता, पुत्र वधु लेट श्री बनारसीदास गुप्ता CM, वो भी आ रही हैं, श्रीमती अंजलि बंसल लिबर्टी ग्रुप से, और स्पेशल गेस्ट हमारे संगीता बंसल जी भी आ रहे हैं। स्कूल में आयोजन किया गया, क्या आयोजन है? ये हमारा आयोजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर में, हम लोगों ने ये गर्ल्स स्कूल लिया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को, हमें लगता है कि 9th से लेकर 12th तक बच्चों को बुक्स की काफ़ी ज़रूरत है। वैसे तो हमारी संस्था कुछ ना कुछ चैरिटी प्रोग्राम्स करती रहती है, पर इस बार हमें लगा कि हम बुक्स का थोड़ा, जैसा कि हमारे हरियाणा में CM सर ने चलाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है जो ये फंक्शन आयोजन किया गया है, इसके द्वारा हम आगे बढ़ने की उन्नति भी ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे, बुक्स दी जाएंगी? बुक्स दी जाएगी तो हमें ये धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बुकें दी, हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। क्या नाम है? रजनी शर्मा। मध्य प्रदेश महिला वैश महासम्मेलन की ओर से जो ये शुरुआत की गई है कि जो ज़रूरतमंद और मेरिटोरियस बच्चे हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक्स को लेना, ये उनके लिए यहाँ पे पुस्तकों का वितरण करने के लिए यहाँ पे मैं उपस्थित हुई हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, विशेष रूप से एक महिला इकाई के द्वारा और बच्चियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए। और ये गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप छरी है, वो भी यही है कि वास्तव में कण-कण से जो है वो बूंद-बूंद से जो घड़ा भरता है, दृष्टिकोण से सामाजिक योगदान जो महिलाओं की ओर से ये दिया जा रहा है, ये अत्यंत सराहनीय है। वैशाली, सीता, कोमल, सोनिया, शिवानी, शिवानी, डिफल, पिंकी एंड उमा।